गाइस आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा हब में। तो गाइस आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स की, कि एरोसोल्स को बनाते कैसे हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। तो आइए बात करते हैं, हम अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल्स में। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो आइए बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल्स की। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाते कैसे, उसको बनाने की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स में। तो आइए बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ एनी इक्विवेलेंट प्रिपरेशन। इसने क्या कहा है, जो हम प्रिपरेशन करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जो प्रिपरेशन होती है, जो प्रोडक्ट हमारा जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, हमारा जो API है, उसको क्या वो सिमिलर होगा, वो क्या इज सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ एनी इक्विवेलेंट। इसने कहा उसकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी सिमिलर होगी, ऐसे ही जैसे हम किसी इक्विवेलेंट प्रिपरेशन करते हैं, किसी कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट की। तो उसने क्या कहा, द मेजर डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में मेजर डिफरेंस आता है एरोसोल्स की, वो कहाँ पे आता है, वो उसकी जो पैकिंग करती है ना, जिस समय हम पैकिंग करते हैं उस समय जो पैकिंग के दौरान उसमें हमारा डिफरेंस आता है। तो वही डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्या डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस के बेस पर उस डिफरेंस के बेस पर ही यहाँ पर एरोसोल्स को दो कैटेगराइज किया गया, टू पार्ट में। तो क्या उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज कूलिंग कोल्ड फिलिंग मेथड एंड दैट इज प्रेशर फिलिंग मेथड। तो ये दो मेथड है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स में यूज होते हैं ज़्यादातर। तो आइए उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड फिलिंग, कोल्ड फिलिंग का मतलब जो ठंडे, जैसे उसको कहें उसका टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, तो इतना ठंड में रहेगा ठंडे में कि उसको कोल्ड फिलिंग नाम दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि उसकी जो हमारी जो टर्म है वही इंडिकेट कर रही है, तो कोल्ड फिलिंग मतलब ठंडा है वो। तो उसने क्या कहा, द लो टेम्परेचर, इसमें जो हमारी कोल्ड फिलिंग पैकिंग होगी, जो कोल्ड फिलिंग की वो क्या होगी, वो लो टेम्परेचर पर होगी। उसका टेम्परेचर कितना होगा, 34 degrees to 40 degrees Celsius का हमारा टेम्परेचर रहेगा हमारा। इसमें क्या होंगे, रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड फिलिंग, जिसके लिए जो हमें कोल्ड फिलिंग के लिए हमें इतने टेम्परेचर की आवश्यकता है कि उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज चिल्ड एंड एडेड टू द ओपन कंटेनर विद चिल्ड प्रोपोनेंट एंड कैन बी चिल्ड टुगेदर। इसने क्या कहा, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, वो चिल्ड होना चाहिए, या से वो रहते हो क्या चिल्ड होना चाहिए, और क्या होगा जब वो ऐड उसको क्या करेंगे, जैसे वो ठंडा होगा उसको एकदम से हमारा जो कंटेनर है ओपन कंटेनर उसमें उसको फिल कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, या जो हमारा प्रोपेलेंट है या उसके साथ मिलाकर उसको फिल करेंगे अपने कंटेनर में, या फिर उसको अलग अलग सेपरेट, जैसे पहले हम उसमें अपना कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद अपना प्रोपेलेंट ऐड करेंगे, या फिर दोनों को एक साथ ही हम उसमें फिल कर देंगे अपने कंटेनर में। तो ये हो सकता है, ये ऐसा ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द वॉल इज क्रिम्ड इन टू प्लेस। उसने क्या कहा, फिर जब हम जैसे ही हम अपना उसमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट और अपना प्रोपेलेंट ऐड कर देंगे कंटेनर में, उसके बाद हम उसमें अपनी वॉल को फिट कर देंगे। अब वॉल को फिट करने के बाद द कंटेनर पास थ्रू अ हीटेड बाथ टेस्ट। इसने क्या कहा, जो हमारा कंटेनर हमें कंपेयर रेडी कर दिया, हमने उसको वॉल पर लगा के रेडी कर दिया, अब उसको क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, अपने एक हीटेड बाथ से पास कराना है। हीटेड बहुत बात से उसको इसलिए पास करा रहे हैं ताकि जो हमारा उससे चेक कर सकें उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में चेक करने के लिए उसको पास कराएंगे हीटेड बाथ ट्यूब से, उसको बाथ से उसको हम पास कराएंगे। तो नेक्स्ट टाइप है इसका प्रेशर फिलिंग, प्रेशर मतलब प्रेशर के थ्रू फिलिंग करेंगे इसमें। जैसे इसने कहा था, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज एडेड टू द कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। इसने क्या कहा, जो हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, उसको हम फिल करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब हमने उसके क्या, जैसे हमने उसमें कोल्ड फिलिंग पड़ा तो उसमें टेम्परेचर चाहिए था 34 to 40 degrees Celsius चाहिए था, इसमें हमें कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, हम इसको रूम टेम्परेचर पे इसमें हम ना फिल कर दें अपने कंटेनर में, इसको फिल कर दें। अब कंटेनर में डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, द वॉल क्रिम्ड इन टू प्लेस, और जो हमारी जो वॉल है उसको हम फिट कर देंगे, वॉल को कंटेनर में डालने के बाद अपना कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट डालने के बाद उसमें अपने हम वॉल फिट करने, उसके बाद फिट करने के बाद द प्रोपेलेंट इज देन एडेड अंडर प्रेशर थ्रू वॉल। इसने क्या कहा, और फिर इसने क्या कहा, जैसे हमने फर्स्ट में बात की थी कोल्ड फिलिंग में, जो हमारा प्रोपेलेंट था या हमारा जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट था उसको क्या करें, उसको हमने कंटेनर में वॉल लगाने से पहले ऐड किया था, और इसमें क्या करें, हमने वॉल लगाने के बाद में हम ऐड करेंगे अपना प्रोपेलेंट, इसके थ्रू जो हमारी वॉल होती है उसके थ्रू हम उसमें अपना एक्टिवेटर के थ्रू अपना प्रोपेलेंट डालेंगे। तो ये थी प्रेशर। तो उस प्रेशर के बेस पे हमारा जो प्रोपेलेंट होता है उसको हम ऐड करेंगे अपने थ्रू द वॉल के द्वारा। तो यही है, यही डिफरेंस है दोनों में, कोल्ड फिलिंग में और
प्रेशर फीलिंग में। तो गाइस इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद आती है टाइप्स ऑफ मटेरियल, हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं अपना कंटेनर बनाने के लिए, कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे एलुमिनियम यूज़ करते हैं हम, ग्लास यूज़ करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं हम इसमें, और आप इसे प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे मटेरियल है जो हम कंटेनर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो हम इसमें, जैसे आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो हमारे परफ्यूम्स वगैरह आते हैं उसमें हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं या फिर हम ग्लास का यूज़ करते हैं। जैसे आपने परफ्यूम देखा होगा, जैसे कोबरा का परफ्यूम आता है उसमें हमारा जो कंटेनर होता है वो ग्लास का होता है, और हमारे जो जैसे आते हैं जैसे फोग वगैरह आते हैं, कुछ हमारे जो रसगुल्स आते हैं उनमें हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो हमारा क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब रस्टिंग होते हैं, रस्टिंग को क्या करता है वो रेजिस्टेंस करता है, और इसलिए उसमें हम यूज़ करते हैं। और क्या होता है, ज़्यादा चीपली भी आता है इसलिए, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं आता इसलिए ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, और वो लाइट वेट भी होता है इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यही इसके एडवांटेजेस है यूज़ करने के हमारा स्टेनलेस स्टील को। और जैसे फिर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कांच भी का यूज़ करते हैं, हमारा ग्लास यूज़ करते हैं, ग्लास में यूज़ करते हैं कि ग्लास क्या है, इनर्ट होता है, मतलब वो हमारा जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होगा उसके साथ इनर्ट होगा, प्रोपेलेंट के साथ इनर्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम अपना ग्लास यूज़ करते हैं, और जिसके ऊपर से फिर हम अपनी एक फॉइल की या पॉलीथीन की कवरिंग कर देते हैं। तो ये थे हमारे कंटेनर की बात। तो गाइस इस लेक्चर ये इतना ही, अब हम बात करेंगे हमारे जो हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट वीडियो में बात की थी हमने क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स की बात की थी, उसमें हमने कुछ एग्जांपल एग्जांपल देखे थे। तो कुछ एग्जांपल जो हमने देखे थे वहाँ, जैसे हमने डाइक्लोरोथीन देखा था डाइक्लोरो जैसे डाइक्लोरो मीथेन देखा था हमने, इसमें गाइस जो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे एग्जाम्पल थे उनके जो सामने था ब्रैकेट में कुछ नंबरिंग थी, जैसे नंबरिंग थी है, तो वो नंबरिंग को कैसे डिफाइन करें, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमने उस नंबरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो नंबरिंग के बारे में जानेंगे हम इसमें। तो गाइस आइए जानते हैं उस नंबरिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे बात करते हैं नेमिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स की। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उसमें हमने क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन जो प्रोपेलेंट से कुछ एग्जांपल दिए थे, तो मैंने बताया था जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था उसमें, वहाँ से हमने एक एग्जांपल लिया है द डाइक्लोरोमीथेन एग्जांपल लिया है। तो मैंने कहा था उसमें जो नंबरिंग है सामने नंबरिंग है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने का तरीका आज हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह उसको डिफाइन करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हमने क्या, जैसे इसकी जो नंबरिंग है हमारी, जो हमारा एग्जांपल है डाइक्लोरो जो मीथेन जो इसकी की जो नंबरिंग है 0, 1, 2 उसकी नंबरिंग है, तो इसकी नंबरिंग के हिसाब से हम उसको बताएंगे कि कैसे कैसे उसको डिफाइन करते हैं, इसकी नंबरिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई हमारे पास एग्जांपल है तो उसकी नंबरिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है, जैसे 3 डिजिट है, तो ये फर्स्ट डिजिट हमारी जो है क्या, द फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। इसने क्या कहा, जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और हम उसमें से क्या करें उसमें से -1 कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ वहाँ से फर्स्ट डिजिट निकल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला दिया है Nc-1, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला का सेकंड डिजिट के जैसे बने यहाँ पे, तो जहाँ सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, उसमें क्या आ जाएगा वहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सेकंड डिजिट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और प्लस वन हो जाएगा, तो NH+1, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड जो हमारी डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, जो हमारा एग्जांपल जैसे एग्जांपल है जो हमारा कंपाउंड हो प्रोपेलेंट हो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी थर्ड डिजिट। तो यार थर्ड डिजिट को यहाँ तो हम इसी तरह हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसको, एग्जांपल को हम उसका नंबरिंग डिफाइन करेंगे। जैसे नेमिंग ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोमीथेन की जो हम क्या नंबरिंग होगी ये डिफाइन करते हैं। तो जानते हैं आइए जो इसमें क्या है, इसमें आपको मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें इथेन आ रहा है हमारा इथेन, और कितने दो हमारे डाइफ्लोरो, मतलब दो फ्लोरिन एटम है और एक इथेन है। तो जानते हैं इथेन हैज़ 2, जैसे आपको पता है कि इथेन क्या होता है, इथेन के पास आपके 2 कार्बन एटम होते हैं, तो इसमें फॉर्मूले रख देते हैं उसको, द फर्स्ट डिजिट विल बी Nc, उसमें फॉर्मूले रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं 2C-1, तो कितना होगा आपके पास 1 कार्बन आ गया यहाँ से आपके पास। फिर बात करते हैं इथेन, अब सेकंड डिजिट के बारे में बात करते हैं, सेकंड डिजिट जैसे आपको पता है कि इथेन के अंदर आपके 4 कार्बन एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम होंगे, तो क्या होगा इथेन हैज़ 4 हाइड्रोजन एटम, सो सेकंड डिजिट विल बी 4H+1, तो ये 5 हो गया आपका यहाँ से। और थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, कि ये बताएगी कि कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है, तो हमारे कितने 2 फ्लोरीन एटम है, तो हमने यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट किया है। तो अब क्या करते हैं, तो अब उसका ओवरऑल देखते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोपेलेंट विल बी, उसका नंबरिंग कितनी होगी, इसकी नंबरिंग जैसे 1, 5 और 2, तो इसके हमने कलेक्टिवली इसको लिखा 152, तो जो इसकी नंबरिंग होगी कितना होगा, वो उसकी नंबरिंग होगी आपकी 152, ये हमारी नंबरिंग आ गई
1,2-difluoroethane की। तो इसी मेथड से आप किसी भी जो हमारा हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स होगा वो हाइड्रोकार्बन्स प्रोपरेंट होगा उस इसी मेथड से किसी की भी नंबरिंग निकाल सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक अपना। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी इम्प्रूवमेंट तो यू कैन सजेस्ट एंड यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।